हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी मिंत्रा के एक नई जॉब अपडेट के बारे में। यहाँ पर जो जॉब अपडेट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वहाँ पर आप लोगों को कोई कॉल नहीं करना है, कोई सेल नहीं करना है, ये कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड कोई जॉब रोल नहीं है। हाँ, लेकिन इसका सैलरी का पैकेज जरूर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि मैम हम लोगों को कोई अच्छा पैकेज वाला भी जॉब बताओ, तो डेफिनेटली आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वही जॉब जो यहाँ पर शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो जॉब की डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं। तो आप जैसे मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कि मिंत्रा पर फिलहाल एक हायरिंग चल रही है, जो कि आप कह सकते हो कि एक डेटा एसोसिएट या डेटा एनालिसिस के रोल के लिए ये चल रही है। ओके, ये हाइब्रिड मॉडल में है। इसका मतलब ये है कि आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों यहाँ पर करने को मिलेगा। इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए गाइस, 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए। अब इस ये जॉब करने के लिए बेसिकली आप लोगों का क्वालिफिकेशन एनी इंजीनियरिंग या आप लोगों का BCA, BSc, BSc कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड टू इस फील्ड से अगर आप लोगों का कोई भी एजुकेशन है तो डेफिनेटली आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसके थ्रू में डायरेक्टली ये मिंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है जहाँ पर आप डायरेक्टली ये फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हो गाइस। ओके, सो आज जो मैं जॉब रोल आपके साथ में शेयर करूँ वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो फील्ड है वो एक डेटा साइंस की फील्ड है, डेटा एसोसिएट की ये फील्ड है। अब बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो बहुत एक क्या कह सकती हूँ मैं, एक ये मन में बैठा कर बैठे हैं कि बाबा अगर मुझे डेटा साइंस में जाना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ IT बैकग्राउंड ही चाहिए, तब भी मैं इसी फील्ड में जा सकता हूँ, राइट। तो कुछ डाउट्स है जो मैं कुछ सब्सक्राइबर्स के यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर करना चाहती हूँ कि देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डेटा साइंस में जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के फील्ड से ही होना ज़रूरी है, राइट। ये एक मीथ है कि आप लोगों को उस फील्ड में जाने के लिए आपका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो कोडिंग से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली डेटा साइंस क्या है, ये फील्ड ही कौन सी है जो ये मतलब मिंत्रा हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया या हर कोई कंपनी देखो डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन के रोल के लिए डेफिनेटली हायरिंग कर रहे थे। तो एक्चुअल में ये डेटा साइंस होता क्या है, तो इजी शब्दों में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो जैसे अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स की, एक एग्जांपल लेते हैं। नेटफ्लिक्स पर अगर आप सपोज कॉमेडी मूवीज अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं या कॉमेडी वीडियोज आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो अगर आपने एक बार कॉमेडी मूवी देख लिया तो नेटफ्लिक्स क्या करता है आप लोगों को नेक्स्ट टाइम में पुश करने के टाइम पर भी आप लोगों को कॉमेडी से रिलेटेड ही कॉन्टेंट दिखाता है, राइट। इसका मतलब क्या है, उसका पर्पज़ क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उस ऐप पर बिताओ, वो जो कंटेंट है वहाँ का वो आप कंज्यूम करो। सेम बात अगर मैं करूँ अमेजोन की, अगर आपने कोई फैशन से रिलेटेड वहाँ पर परचेसिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें परचेस करने के लिए आप वहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो आपको ये होता है कि आप कोई भी दूसरे साइट पर जब चले जाते हो तो अमेज़ॉन के फैशन से रिलेटेड एड्स आप लोगों को दिखाने लगते हैं। अब ये सोचो कि आप अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हो फिर भी आप लोगों को अमेज़ॉन के एड्स रिलेटेड टू द फैशन वहाँ पर क्यों दिखाई जा रहे, क्योंकि आपने इंटरेस्ट शो किया था अमेज़ॉन पर कि आपको फैशन में इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी साइट पर फिले हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो आप लोगों का, देन कोई भी सोशल मीडिया साइट हो जहाँ पर आप आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जब स्क्रॉल कर लेते हो, कोई कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर आपका जो डेटा है उसको एक क्या कह सकती हूँ मैं, एक कलेक्ट किया जाता है और एक मैपिंग की जाती है कि भाई यूज़र को एक्चुअल में क्या पसंद है, वो क्या करना चाहता है, कहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहता है। ये इन चीज़ों को ही कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स, मतलब आप लोगों का जो डेटा है उसको यहाँ पर कलेक्ट कर आपको क्या और चाहिए उसी से रिलेटेड डेटा जो है और ज़्यादा से ज़्यादा शो किया जाता है ताकि आप उसी पर आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है वो कंज्यूम करो, उस ऐप पर ज्यादा से ज्यादा जो है टाइम आप यहाँ पर स्पेंड करो। सो ये एक बेसिक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ कि डेटा साइंस का। अब जो बड़ी कंपनीज है जो आपका प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहती है कि प्रोडक्ट में उस पर्टिकुलर कस्टमर को कौन से रिलेटेड डेटा चाहिए, ये सारी चीजें जानने के लिए जो यहाँ पर डेटा एनालिसिस का रोल जो यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो सजेशंस मिलते हैं आप लोगों को वो उसी के बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। अब बेसिकली डेटा साइंस की फील्ड किससे रिलेटेड है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से कोडिंग से रिलेटेड है ये तो ये मैं नहीं कहूँगी। सो डेटा साइंस के जो फील्ड है वो चार कॉम्बिनेशंस की फील्ड है ऐसे मैं कह सकती हूँ। यस, तो सबसे पहला जो आता है वो मैथमेटिक्स, सेकेंड आता है स्टैटिस्टिक, देन आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड देन आता है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये चार फील्ड का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये डेटा साइंस की फील्ड होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों फील्ड का नॉलेज चाहिए, आपको इसमें से कौन सी भी एक फील्ड का नॉलेज अच्छा है तो आप इस फील्ड में डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। ओके, सो अब आज की तो बात है डेटा साइंस की, लेकिन व्हाट इज़ द स्कोप है, क्या है डेटा साइंस, क्या आगे जाकर इसमें जॉब्स आने वाले हैं। तो गाइज अगर मेरी मानो, गूगल का अगर अभी का जो रिसेंट रिसर्च है उसके में ये पता चलता है कि
आने वाले 5 सालों में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नियर अबाउट 35% जॉब जो ग्रोथ होने वाली है वो डेटा साइंस के फील्ड में होने वाली है। और जो नेसेसिटी है आने वाली स्किल्स की, उसमें सबसे ज़्यादा अगर स्कोप जिसमें है तो वो है डेटा साइंस फील्ड का। सो डेफिनेटली अगर आप इसमें आपका करियर करना चाहते हो तो डेटा साइंस इज़ अ गुड फील्ड। अगर आप एक IT बैकग्राउंड से हो, नॉन IT बैकग्राउंड से हो, आप इस फील्ड के लिए जा सकते हो गाइज। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि मैम मैं नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ, अगर मुझे ये डेटा साइंस का जॉब करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। तो बहुत एक स्मॉल सक्सेस स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी, जिनका फोटो आप अभी मेरे वीडियो में देख रहे हो वो कृति गुप्ता जी है और ये एक नॉन IT बैकग्राउंड से। अब मैं इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। कृति जी उन्होंने राजस्थान से बिलोंग करते, एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करते, कॉलेज से उन्होंने BSc मैथमेटिक्स किया है। सो उनका जो बेसिक है वो मैथमेटिक्स से हुए, ठीक है, उनका ग्रेजुएशन जो है वो उन्होंने मैथमेटिक्स में किया है। उसके बाद में उन्होंने UPSC की प्रिपरेशन की, 3 साल दिए उन्होंने UPSC में, लेकिन डेफिनेटली उनको वहाँ पर सक्सेस नहीं आया। तो अब कभी 3 साल देने के बाद में आपको सक्सेस नहीं आ रहा है तो हम थोड़े से फिनेंशियली अनस्टेबल होते, तो हम लोगों को लगता है कि भाई कुछ ऐसा करो जहाँ पर मुझे पैसे भी मिल जाए और मैं थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान दूँ। तो कृति जी ने भी वही किया, उन्होंने क्या किया, बायजूस को ज्वाइन किया। बायजूस पर उन्होंने कंटेंट एसोसिएट का जॉब रोल चूज़ किया, जहाँ पर वो UPSC से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसी से रिलेटेड उन्होंने कंटेंट को रिव्यू करना शुरू कर दिया यहाँ पर। ओके, सो बायजूस में उन्होंने 4 साल तक काम किया। अब वहाँ पर जैसे ही उन्होंने 4 साल दिए तो कंटेंट एसोसिएट के जॉब रोल से लेकर टीम लीड तक के जॉब रोल को वहाँ पर वो पहुँच गए। अब 4 सालों में इनका जो सैलरी पैकेज था वो स्टार्टिंग में ही 5 to 6 lakhs था, 4 साल के बाद में इनका सैलरी पैकेज गया 8 लाख तक। अब डेफिनेटली अगर आप 3-4 साल वहाँ पर देते हो और आपको उतना सैलरी का हाइक नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो कृति जी के मन में भी यही हो रहा था और उसी पीरियड में वहाँ पर कोविड की सिचुएशन भी आ गई थी, तो ले ऑफ भी बहुत सारे हो रहे थे, तो कृति जी का भी वहाँ पर ले ऑफ हो गया वहाँ। सो उन्होंने सोचा कि अब मैं कोई ऐसी फील्ड कर लेती हूँ जहाँ पर मुझे स्कोप भी मिले और मेरा सैलरी का हाइक जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सो बहुत सर्च करने के बाद में उन लोग को पता चला कि भाई डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जो कि थोड़ी सी नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए अच्छी है, जहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती है वहाँ पर ज़्यादा फोकस या ज़्यादा स्ट्रेसफुल आप लोगों को आना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने पहले खुद से ही लर्न करना शुरू किया डेटा साइंस का क्या होता है, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए। तो उनको लगा पहले HTML अच्छा होता है इसके लिए, तो उन्होंने HTML सीख लिया। हालांकि डेटा साइंस का और HTML का कोई रिलेशन नहीं है, बट ठीक है, उनके इसमें एक स्किल ऐड हो गया। उसके बाद में उन्होंने पाइथन शुरू किया, क्योंकि पाइथन अगर आपको डेटा साइंस जाना है उस फील्ड में तो पाइथन का नॉलेज होना ज़रूरी है यहाँ पर, राइट, मतलब बेसिक तो एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। तो उन्होंने खुद ही यहाँ पर शुरू कर लिया सीखना पाइथन को भी ऑनलाइन। लेकिन जब वो सीख रहे थे तो उनको पता चला कि भाई ये जो नॉलेज है बहुत स्कैटर्ड है, अलग अलग टर्म्स में मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो ये मैं एक क्या कह सकती हूँ, मैं कैटेगराइज नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ जहाँ पर मुझे स्टेप बाय स्टेप डेटा साइंस के बारे में पता चले। तो उन्होंने ओडियन स्कूल का बूट कैंप कोर्स जो है डेटा साइंस का वो वहाँ पर ज्वाइन करे, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ्स का है, जहाँ पर लाइव क्लासेस यहाँ पर लिए जाते। तो वो क्लास अटेंड करने के बाद में उनके जो बेसिक्स थे वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो गए, उनके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेकर मीथ थे वो यहाँ पर कम्प्लीटली वैनिश हो गए। उनको पता चला कि भाई इसके लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको इच्छा है कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ और अगर आप मेहनत करते हो दिन के 3 से 4 घंटे यहाँ पर देते हो इस फील्ड पर जाने के लिए, तो वो सफिशियंट है इस फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनने के लिए। तो उन्होंने भी वही किया, क्या जो करियर गाइडेंस के जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग यहाँ पर उनको करियर के बारे में जानकारी देते हैं, इंटरव्यू के स्किल्स के बारे में सिखाते हैं आपसे, उन्होंने उनको गाइड किया कि एक्चुअल में यहाँ पर किस तरह से आप लोगों का पाथ बनना चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पर कैसा जाना चाहिए। तो उन्होंने SQL पर ध्यान दिया, उनका जो पाइथन था वहां पर ध्यान दिया, और उसका प्लस पॉइंट यहाँ पर एक था कि उन्होंने प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ाया। उन्होंने यहाँ पर ओडियन स्कूल के थ्रू में जितने कोई भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती है वो सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो यहाँ पर गेन किया, और उसी का इम्पैक्ट ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए वही उन्होंने आपके CV में भी डाले, इसीलिए उनका CV भी जो है शॉर्टलिस्ट होने में भी उनको यहाँ पर मदद हुई। डेफिनेटली इन लोगों के ओडियन स्कूल का जो करियर गाइडेंस करने वाले जो एक्सपर्टाइज लोग हैं ना, वो डेफिनेटली उन लोगों को बहुत अच्छे से गाइडेंस करते हैं जिनको वहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि एक जीरो से लेकर आप उसके करियर के एक्सपर्ट तक कैसे बन सकते हो, ये गाइडेंस यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है गाइस। सो उन्होंने उनके गाइडेंस के थ्रू में यहाँ पर कंप्लीट अपना जो पाथ है वो बना लिया, अपना रिज्यूम, अपना कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू के स्किल्स, ये सारे प्रिपरेशन उन्होंने बना लिए।
हर एक रोल को, हर एक सीवी को अलग अलग किया, और उसी तरह से मतलब उन्होंने 4 तरह के सीवी यहाँ पर बनाए, और फिर वो अलग अलग रोल के लिए, मतलब डेटा एनालिस्ट हो गया या साइंटिस्ट के लिए हो गया, अलग अलग जॉब रोल के लिए अलग अलग सीवी सेंड कर उनका यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन हुआ स्किलसॉफ्ट में, और वो भी बहुत अच्छे सैलरी पैकेज के साथ में। सो गाइज, अगर आप भी इनकी तरह से चाहते हो कि भाई मुझे भी मेरा एक करियर जो है यहाँ ट्रांजिशन करना है, या मेरे करियर में गैप है और मैं कुछ करना चाहता हूँ, अभी मैं आईटी स्किल्स में सीखना चाहता हूँ या आईटी में एंटर करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली ओडियन स्कूल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज। जैसे कृति जी ने नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी सेक्टर में यहाँ पर स्विच कर लिया, ट्रांजिट कर लिया, अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी करियर जो है यहाँ पर ट्रांजिट हो जाए, तो डेफिनेटली ओडियन स्कूल इज द बेस्ट ऑप्शन गाइज। यहाँ पर जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये ओडियन स्कूल का डेटा साइंस का कोर्स है, जहाँ पर आप लोगों को लाइव इंस्ट्रक्टर क्लासेस मिलते हैं, एंड दिस ये क्लास का जो ड्यूरेशन होने वाला है दैट इज अ 6 मंथ, और यहाँ पर कंप्लीटली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, एंड यू विल गेट अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। आप इनके जो डेमो क्लास है उसको भी यहाँ पर बुक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना है, और यू विल गेट अ डेमो क्लास, और जिसके लिए आप लोगों को कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर नहीं भरनी है। एंड आपको ये अगर करना है, मतलब क्यों ज्वाइन करना है ये डेमो क्लास, तो यू विल गेट अ इंडस्ट्री ओवरव्यू, यू विल गेट अ पाथवे टू लैंड अ डेटा साइंस जॉब, आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो उसके आंसर यहाँ पर सॉर्ट आउट किए जाते हैं, एंड यू विल गेट अ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड। ओके, सो आप यहाँ पर इस बुक का डेमो पर क्लिक कर आप जो है यहाँ पर आपका जो डेमो क्लास है यहाँ पर बुक कर सकते हो। सो आप ये जो डेमो क्लास है वो कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, सो एनीवन हु वांट्स टू क्रिएट अ सक्सेसफुल करियर इन डेटा साइंस, या जो फ्रेशर है, जो नया जॉब अपना लॉन्च करना चाहता है डेटा साइंस में, या जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है लेकिन अपग्रेड करना चाहता है अपनी डिमांड स्किल को, या कोई जॉब सीकर ट्राइंग टू मेक अ कमबैक आफ्टर अ करियर बैक, ये कोई भी जो है यहाँ पर अपना जो करियर डेटा साइंस में बनाना चाहता है वो इस डेमो क्लास को यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। और आप यहाँ पर इनके ऑलरेडी जो प्लस कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में भी डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ये जो कंप्लीट इन लोगों का कोर्स है वो प्रोजेक्ट बेस्ड है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर COVID-19 का है, क्रेडिट कार्ड का है, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, सो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज डेफिनेटली आप लोगों को गेन कर लेते हैं, और इन लोगों के 500 प्लस ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग पार्टनर्स है। एंड ऑफकोर्स गाइज, अगर आप भी चाहते हो कि इस क्लास को आपको अटेंड करना चाहिए एक बार, तो लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पर जाकर इनका जो डेमो क्लास है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और इससे रिलेटेड आप लोगों के पास में कोई भी क्वेरी आती है कमेंट डाउन जरूर करना, मैं कोशिश करती हूँ आपके इन क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की। सो लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गाइज, प्लीज़ एक बार जाकर डेमो क्लास जरूर बुक कर लेना, डेमो क्लास के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, आई विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।